एप्लीकेशन ऑफ पहला डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। आइए, हम लोगों ने वर्क पढ़ा हुआ है, पढ़ा है वर्क। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और वर्क क्या होता है? वर्क स्केलर होता है, यानी कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करा है। तो कौन सा प्रोडक्ट करा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में तो स्केलर आता है, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट विल गिव्स यू वर्क। लेकिन मैं कह दूं फोर्स क्रॉस एस डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू वर्क, दैट इज रॉन्ग। तो अगर आपको वर्क निकालना है तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे अब आप एरिया, एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया मान लो, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, ब्रेथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, बट कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, जैसे फ्लक्स। फ्लक्स आपने पढ़ा नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे तो इसको सिर्फ लिख करके छोड़ देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, ठीक है। और भी कई सारे आप आगे पढ़ते हो, जैसे टॉर्क निकालोगे, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर फॉर सर्कुलर मोशन। ये सब आप आगे पढ़ोगे तो हम आगे ही इस पर चर्चा करते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी। तो पूरी फिजिक्स में ये सब काम आता रहेगा, तो इनको निकालने के लिए इसका यूज होता है और आगे भी यूज करते जाएंगे। तो सिर्फ इतना ही लिख लीजिए, अभी आप आगे पढ़ोगे इसको, टॉर्क बोलते हैं इसको। वर्क पावर एनर्जी पूरा चैप्टर है, रोटेशनल मोशन में ये भी पढ़ोगे आप। एरिया तो कई जगह निकालते ही रहेंगे हम लोग। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कीजिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी is 1, 2, minus 3, and for point Q it is -1, 3, 4. What is the distance between the point? बताइए जरा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? एक मिनट दे रहा हूं आपको। इधर देखिए, P और Q दो पॉइंट है। मैंने माना, ध्यान से देखना, एक पॉइंट ये है मेरा P, जिसकी लोकेशन है 1, 2, -3। एक पॉइंट है Q, जिसकी लोकेशन है -1, 3 और 4। मुझसे पूछ रहा है P से Q की डिस्टेंस बताइए, यही तो पूछा है। तो अगर मैं कह दूं कि ये जो है ये मेरा P का पोजीशन वेक्टर है, जिसको मैं RP कह दूं, और ये मेरा Q का पोजीशन वेक्टर है, जिसको मैं RQ कह दूं, और RP की वैल्यू क्या आएगी? I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप। पोजीशन वेक्टर में कराया आपको, Q वेक्टर का पोजीशन क्या आएगा? माइनस आई कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। अब मुझे P से Q की डिस्टेंस निकालनी है, यानी मैं यहां पर अगर एक वेक्टर खींच दूं तो मुझे RPQ निकालना है। अब
इसको ध्यान से देखिए, क्या ये ट्राइंगुलर लॉ बन रहा है? और उस ट्राइंगुलर लॉ की बेस पर मेरे लिए बताइए क्या सही होगा, आर पी क्यू इज इक्व टू आर पी प्लस आर क्यू, आर पी इज इक्व टू आर पी क्यू प्लस आर क्यू, आर क्यू इज इक्व टू आर पी क्यू प्लस आर पी, एक दो तीन, क्या चीज सही है उस पर बात करते हैं। वंश, क्या सही है इस ट्राइंगल को देख करके क्या लग रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि ट्राइंगल में वो आर्म जो अपोजिट ऑर्डर वाली होती है वो बाकी की दो का एडिशन होती है। अब इसमें देख लो, एक आर्म मिताली ऐसे जा रही है, एक आर्म ऐसे जा रही है और एक आर्म ऐसी है, तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये वाली अपोजिट ऑर्डर में, तो ये वाली आर्म बाकी के दो का एडिशन होगी, यानी कि ये वाला केस होगा आर क्यू इज इक्व टू आर पी प्लस आर पी क्यू। अब आपको निकालना क्या है, आर पी क्यू, तो आर पी क्यू विल बी आर क्यू माइनस आर पी वैक्टर, और आर क्यू वैक्टर क्या है आपके पास में, माइनस आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, इसमें से माइनस कर दो आई कैप प्लस टू जे कैप। मिताली ये छोटी छोटी गलतियां क्यों कर रहे हो आप, अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ये हो गया माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप सेवन के कैप, ये है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पी टू क्यू। मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस सबका स्क्वायर, चार प्लस एक प्लस उनचास, यानी कि रूट 54 मीटर। दिस इज योर आंसर, लिख लीजिए। इधर देख लीजिए एक बार और, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है आर पी क्यू, तो बेसिकली ये होगा आर क्यू माइनस आर पी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, पी से क्यू निकालना है ना, पी से क्यू, तो बाद वाला माइनस पहला वाला, लिख लीजिए। लॉ ऑफ पॉलीगन, ठीक है, देख लीजिए, कभी यूज नहीं होता और कोई नई चीज पढ़ाई भी नहीं उसने, क्या कहता है, सपोज करो ये कोई वेक्टर है पी वेक्टर मान लेता हूं, ये है मेरे पास क्यू वेक्टर, ये है मेरे पास आर वेक्टर, ये है मेरे पास एस वेक्टर, ये है मेरे पास टी वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर आर पी टी विल बी इक्वल्स टू आर पी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर, यानी कि सुनो 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 सुनो, यानी कि अगर वेक्टर्स किसी पॉलीगन के एडजेसेंट आर्म को शो करते हैं तो उनका रिजल्टेंट वो वाला वेक्टर होता है जो उस आर्म को बंद करेगा। यही तो होता था अपोजिट ऑर्डर में, ट्राइंगुलर लॉ में क्या होता था कि ट्राइंगल की थर्ड आर्म जो इसको क्लोज कर रही है, ये तो ऊपर हो गया ना ट्राइंगल, जो क्लोजिंग आर्म होती है वो बाकी के दो का एडिशन होती है अपोजिट ऑर्डर में, ये भी तो वही है, क्लोजिंग आर्म बाकी के सबका एडिशन है अपोजिट ऑर्डर में। मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं, कैसे, अगर मैं इसको यहां से यहां मिला दूं तो क्या ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर नहीं होगा, और अगर मैं इसको यहां मिला दूं तो इसको देखिए और इसको देखिए, क्या ये फिर से ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो ये वाला इन दोनों का एडिशन होगा नहीं होगा,
और अगर मैं इसको यहां मिला दूं तो ये देखिए एक ट्राइंगल यहां भी बनेगा, इसको और इसको करके, तो ये वाला इन दोनों का एडिशन है, यानी कि एक सेकंड रुक जाओ, तो ये भी देखिए ये क्या है, इन दोनों का एडिशन, यानी कि ये हो गया P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। अब इसको देख लीजिए, ये भी ट्राइंगल है, तो ये क्या होगा, इसका प्लस इसका एडिशन, यानी कि इन सब में टी और जुड़ जाएगा, तो वही तो लॉ है, कोई नया थोड़ा ना है। तो बट इसको याद कर लीजिए, लॉ लिखवा देता हूं, आ जाए तो डेफिनेशन लिखे आना, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, बना लीजिए इसको। लॉ ऑफ पॉलीगन्स लिखिए, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन इन द अपोजिट ऑर्डर, इन द अपोजिट ऑर्डर। तो कोई पूछ ले तो लिखने के लिए लिख देना। अब बताइए पहला क्वेश्चन कौन सा मैंने आपको दिया था, ये वाला डायग्राम बना लेना है ना, ये वाला, ये वाला पी क्यू आर एस टी लिख लेना है ना। बीच वाला तो मैंने प्रूफ करने के लिए बता दिया कि कोई नई चीज नहीं है, वही ट्राइंगुलर लॉ को मोड़ तोड़ करके पढ़ाया जा रहा है आपको। ट्राइंगल भी एक पॉलीगन ही होता है, नहीं होता? चलिए हाँ बताइए पहला क्वेश्चन कौन सा था आपको। मैंने कल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था, उसमें यह था कि अगर ए वैक्टर टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस के कैप है और बी वैक्टर माइनस सिक्स आई कैप प्लस नाइन जे कैप प्लस थ्री के कैप है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं है। कैसे करोगे कनक? देखो अगर सपोज करो ये कोई वेक्टर है ए और आप कहते हो बी वेक्टर भी सी के पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा? जीरो। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? ए बी साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होगा? यानी कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? जीरो। कह सकते हैं इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो देन ए शुड बी पैरेलल टू बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो आप। चलिए शुरू हो जाइए, क्रॉस प्रोडक्ट करके देखिए, जीरो आ जाएगा तो ये पैरेलल है, जीरो नहीं आया तो ये पैरेलल नहीं है। अगर मैं ए डॉट बी करता और अगर ये जीरो आ जाता तो इससे क्या प्रूफ होता? अगर है 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है ए बी कॉस थीटा जीरो, अगर ये 90 हुआ तो कॉस 90 तो जीरो होता है। तो अगर इसी कोई क्वेश्चन दे दे कि प्रूफ करो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो कैसे प्रूफ करते? ए डॉट बी जीरो करके, है ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने, ए डॉट बी पता करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 8 है। ठीक है, तो पहले मैं करता हूं कि यार ए डॉट बी अगर मुझे तब पता लगेगा, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी मैं पता कर लूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ए का मैग्नीट्यूड मुझे पता है 2, बी का मैग्नीट्यूड पता है 5, बस मेरे को कॉस थीटा कोई ला करके दे दे, मेरे को पता लग जाएगा। कॉस थीटा है नहीं मेरे पास, तो मैंने क्वेश्चन पे नजर मारा, क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है, मैंने कहा चलो इसको देखते कुछ आता है, तो मैंने कहा यार ए क्रॉस बी कितना होता है? कहता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और आपको क्या दिया इसका मैग्नीट्यूड?
यानी कि डायरेक्शन की बात नहीं करना चाहता आपसे, तो डायरेक्शन हटा दो इसमें, ए बी साइन थीटा। कहता है इसकी वैल्यू है 8, ए है आपके पास 2, ये है 5, तो साइन थीटा आपके पास निकल करके आ सकता है 4/5 साइन थीटा। यानी कि अगर मैं ये सोचूं कि ये ट्राइंगल है, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये है 5, ये है ना, तो ये कितना होगा 3। तो यहां से मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं 3/5, ये वैल्यू उठा करके ऊपर रख देता हूं, ए डॉट बी 10 इंटू 3/5, यानी कि 6 इज योर आंसर, खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया था मैंने, इसमें था इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स आपको दिए गए हैं 5, 4, 3। आपसे पूछा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर पूछा है। ए वेक्टर बी प्लस सी है। अगर मैं ट्राइंगलर के हिसाब से सोच लूं या कैसे भी सोचूं कि बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर मेरा ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर मैंने माना यहां है, ठीक है, और ये एंगल क्या है थीटा जो मुझे निकालना है, तो इनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा का रूट। अल्फा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल मैंने अल्फा मान लिया, इसमें से तो थीटा निकलेगा नहीं मेरे पास, इससे तो अल्फा निकल जाएगा, है ना, बी है मेरे पास, सी है, ए है, अल्फा निकल जाएगा, तो किसी काम का नहीं है। मैंने फिर लगाया टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, जहां से एंगल पूछा है उसको छोड़िए, दूसरे वाले का साइन थीटा, पहले वाले दूसरे वाले का कॉस थीटा प्लस पहला वाला। मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं, तो टेन थीटा बी, बी कितना है 4, साइन अल्फा, बट अल्फा भी नहीं है मेरे पास, तो यार ये बड़ी दिक्कत हो रही है, फिर मेरा क्वेश्चन फंस गया। और बी क्या है 4 कॉस अल्फा प्लस 5 सॉरी प्लस 3, फिर भी नहीं निकल रहा, यानी कि अल्फा तो निकालना पड़ेगा इसे। तो मैंने ट्राई करा, ये 3 है, ये 4 का स्क्वायर है कॉस अल्फा, 3, 4 का रिजल्टेंट 5 तभी आता है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री पे, ये बात से मुझे पता लग गई, हालांकि मुझे देखते पता लग गया था, 3, 4 का रिजल्टेंट 5 तभी आता है जब दोनों किस पे हो 90 डिग्री पे, तो मुझे अल्फा निकल करके आ गया 90 डिग्री, तो यहां पे वैल्यू रख दो 4 sin 90 4 cos 90 प्लस 3 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां भी दिक्कत है, ऑप्शन आपको जो दिए हुए हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं कॉस इनवर्स 3/5, अच्छा 90 डिग्री, कॉस इनवर्स 4/5 और साइन इनवर्स 3/5, मेरे पास आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4/5, क्या सेकंड आंसर सही है इसका, दिमाग भी लगा लो, पूछा क्या है आपसे, ये एंगल पूछा है, ये 90 आया है आपके, अल्फा निकल करके 90 आया है, बट अल्फा तो पूछा ही नहीं है, पूछा क्या है थीटा,
तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो टेन थीटा क्या होगा, अगर मैं इसका ट्रायंगल बनाऊं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, 3/5। साइन थीटा किसके बराबर आएगा, 4/5। आइए तो थीटा क्या हो जाएगा, ये आपको मैथ्स में पढ़ाया होगा, कॉस थीटा 3/5 है तो थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स 3/5। यहां से ऐसे जाया जाता है, तो कॉस इनवर्स 3/5 ऑप्शन में दे रखा है। क्या साइन थीटा 4/5 है, तो थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स 4/5 भी एक सही ऑप्शन रहेगा, दे रखा है क्या साइन वाला, नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एक बार आराम से एनालाइज कीजिए, उसके बाद बात करता हूं मैं। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, आप ये कहना चाहते हो कि बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर कर दूं, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, इसमें थीटा क्या है, थीटा है क्या ये तो बताओ, ए और सी के बीच का एंगल, हाँ सही बोल रहा हूँ, तो B का कितना है, 3, 5 का स्क्वायर 4, क्या, अच्छा सॉरी सॉरी 4 दिया है, पच्चीस प्लस 9 15 30 कॉस 30 इज इक्वल टू 4, फिर स्क्वायर कर दोगी तुम तो ये हो जाएगा आपके पास 16, 25 और 9 34, माइनस 30 कॉस थीटा, तो 30 कॉस थीटा 34 माइनस 16 दो 4, नहीं नहीं 18 बाय 30, हाँ आ सकता है वैसे तो, ठीक है बिल्कुल सही बात है, कर सकते हो। अगर मैं ऑप्शन में आपको ये देता ही नहीं, मैं यहां दे देता साइन इनवर्स, इसकी जगह दे देता साइन इनवर्स 4/5, हाँ फिर इससे आप उससे निकाल देती, हाँ ठीक है ये भी ठीक है, एक्सेप्टेड। क्या वो नहीं चला इतना दिमाग जितना इसने चला है, आइए अप्रोच देख लीजिए, कहेंगे ये रहा ए बी और सी का मैग्नीट्यूड का है, तो ए और सी के बीच में एंगल पूछा है, तो मैंने कहा चल यार सी इधर मान लेता हूँ, बी इधर मानता हूँ, ए इधर मानता हूँ, मेरे से थीटा पूछा है, मैंने कहा ठीक है ए और सी के बीच का एंगल टेन थीटा, जिससे पूछा है उसको छोड़ करके दूसरे वाले का साइन थीटा अपॉन दूसरे वाले का कॉस थीटा प्लस पहला वाला फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा आंसर मेरा आ जाएगा, बट मेरे पास अल्फा नहीं था, फिर मैंने ट्रायंगुलर लॉ लगा दिया कि ये रिजल्टेंट है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा से मैंने अल्फा निकाला 90 डिग्री, और ये मुझे वैसे भी समझ में आ रहा था कि 3, 4 का 5 है, तो 3 और 4 दोनों के बीच में कितने का एंगल होगा 90 डिग्री का, 90 की वैल्यू रखी, 10 थीटा मेरे पास आ गया। ऑप्शन में देखा 10 थीटा का नाम ही नहीं है, साइन थीटा कोस थीटा खेल रहा है मेरे साथ, फिर मैंने ट्रायंगल बनाया, प्लॉट करा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये, फिर यहां से मैंने देखा कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी,
तो कॉस थीटा 3/5 आया, यहां भी कॉस थीटा 3/5 है, मेरा आंसर आ गया, खत्म, इतना सा काम है। फिर इन्होंने थोड़ा अलग दिमाग लगाया, इन्होंने बोला सर आप ए वेक्टर बी प्लस सी कहते हो तो बी वेक्टर ए माइनस सी है, तो इसका भी एक फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस थीटा, वो थीटा क्या है, ए और सी के बीच का एंगल, तो इससे आपका डायरेक्ट आ गया, ये भी ठीक दिमाग है कि जब मेरे को बोल रखा है ए वेक्टर बी और सी से का एडिशन है और ये है 3 और 4 का 5 है, तो मैंने अपने आप ही समझ लिया कि बी और सी परपेंडिकुलर होंगे, तो मैंने कहा यार बी इधर बना दूं, सी इधर बना दूं, ए मेरा यहां पर है, मेरे से ये पूछा है ये मेरा कितना है, बी कितना है 4, वही चीज है मतलब, और ये कितना है 3 और ये क्या है 5, तो डायरेक्ट मैं टेन अल्फा निकाल दूं, सामने वाले का अपॉन पहला वाला, यही होता ना 90 डिग्री स्पेशल, जहां से एंगल पूछा है उसको छोड़ के सामने वाला और पहला वाला, तो यहीं से मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहीं से मुझे समझ में आ जाएगा कि कॉस थीटा जो होगा वो 3/5 होगा, तो थीटा की वैल्यू 1/cos θ 3/5, और 1/cos θ को आप लिख सकते हो कॉस की पावर -1 3/5, हालांकि ये गलत तरीका है समझने का, बट मेरे को ऐसे समझो को बच्चे बच्चों को समझाना आसान हो जाता है, ये कॉस थीटा है 3/5, तो थीटा क्या हो गया 1/cos θ 5, अच्छा सॉरी भाई, और कोई, तो देखने का तरीका है अपना अपना, ये भी सही सोचा था जिसने भी सोचा था, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। चलिए सर और कोई क्वेश्चन था, अब सुन लीजिए एक बार, यूनिट डायमेंशन के डाउट नहीं लिए ना अभी अपने, यूनिट डायमेंशन कंप्लीट है तुम्हारा, तो यूनिट डायमेंशन कंप्लीट कर लो ना, इसको क्यों बैकलॉग पे छोड़ रखा है, हाँ तो मांगिए आपने भाई, देखो जिन बच्चों का यूनिट डायमेंशन छूटा हुआ है, एरर सिग्निफिकेंट फिगर, इसको कंप्लीट कीजिए जल्दी से, वेक्टर आपने कर दिया है आज की क्लास में, मैंने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दी है, तो अब आप ये करिए बैकग्राउंड में, मैं नेक्स्ट क्लास से वन डायमेंशन मोशन शुरू करने का मूड है मेरा, कि सर डाउट, डाउट लेंगे हम वेक्टर के टू डायमेंशन के साथ में, क्योंकि ये टू डायमेंशन वाले चैप्टर में ही है ना मोशन इन प्लेन में, तो वहां पे हम इसके डाउट निकालेंगे, आप अभी डाउट निकाल करके रख लीजिए, हाँ वन डायमेंशन के डाउट में चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आप बैकग्राउंड में ये करना शुरू कीजिए, जब तक मैं वन डायमेंशन खत्म करूंगा तब तक आप इसके भी डाउट निकाल दीजिए, उसके बाद हम पहले वन डायमेंशन के डाउट ले लेंगे, फिर यूनिट डायमेंशन के डाउट लेंगे, फिर मोशन इन प्लेन कराएंगे, जब वो खत्म हो जाएगा तो मोशन इन प्लेन और वेक्टर उनके डाउट एक साथ ले लेंगे, क्योंकि उसी चैप्टर में है ना, वेक्टर तो अलग से थोड़ा ना चैप्टर है, उसी में, तो ये मेरा प्लानिंग है